दोस्तों क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां गेंदबाज और बल्लेबाज का ही सिक्का चलता है, क्योंकि बल्लेबाज रन्स के पहाड़ लगाता है और गेंदबाज विकेट गिराता है। बहुत से बॉलर ऐसे थे जिनकी बॉलिंग से अच्छे अच्छे बैट्समैनों के पसीने छूट जाते थे, लेकिन दोस्तों कई ऐसे बल्लेबाज भी थे जिन्होंने क्रिकेट का नक्शा ही बदल दिया और क्रिकेट को बल्लेबाजों का खेल बना दिया। दुनिया इन्हें रन्स करने वाली मशीनों के नाम से जानती है। आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे ही बल्लेबाजों के बारे में बताएंगे जिन्होंने न सिर्फ रन्स के पहाड़ खड़े किए बल्कि नामी ग्रामी गेंदबाजों के नाक में भी दम कर दिया। नंबर 10, एबी डिविलियर्स, साउथ अफ्रीका। दोस्तों एबी डिविलियर्स को भला कौन नहीं जानता। एबी क्रिकेट में एक ऐसा नाम है जिसे दुनिया का हर बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि ये एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो दुनिया के हर क्रिकेट लवर के दिलों में राज करते हैं। उनके शानदार बल्लेबाजी और अजीबोगरीब शॉट्स की वजह से इन्हें मिस्टर 360 भी कहा जाता है। एबी का शुमार दुनिया के उन खतरनाक बल्लेबाजों में होता है जिन्होंने रन्स के पहाड़ खड़े किए पर अपने करियर में 48 की औसत से 20,000 से भी ज्यादा रन बनाए। एबी ने अपने करियर में ऐसे कारनामे किए हैं जो कोई और बल्लेबाज नहीं कर सकता। ये दुनिया के सबसे तेज बल्लेबाज थे जिन्होंने सिर्फ 31 गेंदों में ही सेंचुरी कर डाली। क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट देखने वालों को एंटरटेन करना हो या चौको छक्कों की बारिश करनी हो, एबी तो सबसे आगे थे। 14 साल अफ्रीका के लिए क्रिकेट खेलने के बाद जब इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया तो कई क्रिकेट फैन के दिलों को तोड़कर उनकी आंखों को आंसुओं से भर दिया। नंबर 9, इंजमाम उल हक, पाकिस्तान। दोस्तों एक ऐसा जमाना था जब इंजमाम पाकिस्तान टीम के लिए रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते थे। 1998 में ये अपने करियर के पीक पर थे। उनके बल्ले से ऐसे रन्स निकलते जैसे कोई बैट्समैन नहीं बल्कि रन्स मशीन हो। 1992 का वर्ल्ड कप किसे याद नहीं होगा जब लोगों की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, इंजमाम भाई आएंगे और आकर मैच जिताएंगे। और इन्हें उस दौर का मॉडर्न खिलाड़ी भी कहा जाता था जो किसी भी वक्त चौकों और छक्कों की बारिश कर सकते थे। इंजमाम के इन्हीं कारनामों की वजह से इन्हें दुनिया की रन्स करने वाली मशीन में शामिल किया गया। इन्हें अपने कैरियर में 20,580 रन बनाए जो इनका बहुत ही बड़ा कारनामा है। नंबर 8, ब्रायन लारा, वेस्ट इंडीज। दोस्तों ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज की टीम का एक ऐसा सिपाही था जिन्हें गेंदबाजों का बुरा हाल करने की वजह से जाना जाता। इनके ईरा में खेलने वाले गेंदबाज जानते थे कि लारा डर का दूसरा नाम है। जब ये पिच पर आते थे तो अच्छे अच्छे गेंदबाजों को अपने नरगे में लाकर खूब दुलाई करते। इनके इन्हीं कारनामों की वजह से वेस्ट इंडीज को काली आंधी से याद किया जाता है। इन्होंने लगभग 17 साल क्रिकेट खेली और इस दौरान 20,000 से भी ज्यादा रन बनाए। नंबर 7, विराट कोहली, इंडिया। विराट कोहली के बारे में लगभग हर क्रिकेट लवर जानता है। बॉलर को फंसाने से लेकर मैच जिताने तक कोहली तो हर चीज में आगे थे। इनके शानदार बल्लेबाजी को भला कौन भूल सकता है जो इन्होंने 2011 के वर्ल्ड कप में की। ये इंडिया के लिए स्पेशल थे क्योंकि ये उस मौके पर टीम में आए जब बड़े बड़े बल्लेबाज रिटायर हो चुके थे। विराट का सिक्का तो आज भी चलता है और ये दुनिया के नामी गिरामी गेंदबाजों के लिए डरावना ख्वाब साबित बनता है। मैच चाहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो या फिर इंग्लैंड के, विराट तो भाई चलते हैं क्योंकि ये कोई बल्लेबाज नहीं बल्कि रन्स करने वाली मशीन है। ये अपने करियर में अब तक 23,000 रन कर चुके हैं और आने वाले वक्तों में ये सचिन को पीछे छोड़ सकते हैं। उनके करियर की शुरुआत में ही मान लिया गया था ये दुनिया के बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज बनेंगे और क्रिकेट के एक्सपर्ट की पेशगोई आखिर सचिन साबित हुई। नंबर 6, राहुल द्रविड़, इंडिया। दोस्तों क्रिकेट में जब कभी विकेट रोकनी हो या लंबी इनिंग खेलनी हो तो हमारे सामने सिर्फ एक ही नाम आता है, वो है राहुल द्रविड़ का। इन्होंने अपने करियर में नामी ग्रामी गेंदबाजों को बेबस कर दिया। शोएब अख्तर ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं सचिन को तो आउट कर सकता था लेकिन राहुल को आउट करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता था। वो जिस तरह से बल्लेबाजी करते थे तो अच्छे अच्छे गेंदबाज भी परेशान नजर आते थे। राहुल द्रविड़ दुनिया के वाहद ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा गेंदें खेली जो इनके खतरनाक होने का सबूत है। इनके नाम 24,000 रन है जो इन्हें दुनिया की छठी खतरनाक रन करने वाली मशीन बना देती है। नंबर 5, जैक कालिस, साउथ अफ्रीका। दोस्तों दुनिया में शायद ही ऐसा कोई ऑलराउंडर हो जो जैक कालिस का मुकाबला कर सकता हो और उनका शुमार दुनिया के ऐसे बल्लेबाजों में होता है जिन्हें डर का दूसरा नाम कहा जाता है। कालिस इतने खतरनाक थे कि अपनी बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही कमाल कर दिया करते। दुनिया के महान बल्लेबाज शोएब अख्तर और ब्रैडली भी इनका सामना करने से खौफ खाते थे। विकेट को रोकना हो या तेज बैटिंग करनी हो, कालिस तो दोनों ही शोबों में ऐसी महारत हासिल कर रखते।
रखी थी कि बड़े से बड़े गेंदबाज भी इनके जाल में फंस जाते थे। अपने इन्हीं कारनामों की वजह से इन्हें दुनिया के खतरनाक रन मशीन भी कहा जाता था। कालिस अपने करियर में 25,000 रन कर चुके थे और इनके नाम एक बहुत ही बड़ा अजाज है। नंबर 4, महिला जयवर्धने, श्रीलंका। जयवर्धने हमारी लिस्ट में एक ऐसा नाम है जो अपनी खतरनाक बल्लेबाजी की वजह से जाना जाता है। इनके ईरा में खेलने वाले बल्लेबाज जानते हैं कि ये बहुत ही खौफनाक बल्लेबाज थे। चेहरे से मासूम नजर आने वाले जयवर्धने बहुत ही चालाक थे। ये कवर ड्राइव और स्वीप शॉट खेलने के तो माहिर ही थे। जब ये तेज खेलना शुरू करते तो अच्छे अच्छे गेंदबाजों की लाइन को खराब कर देते। इन्होंने संगकारा के साथ मिलकर इंग्लिश बॉलर को खूब तहस नहस किया और क्रिकेट की तारीख में एक ऐसा सितारा बनकर उभरा जिसे रन करने की रफ्तार में सबको पीछे छोड़ दिया। इन्होंने अपने करियर में 26,000 से ज्यादा रन किए जो इनको क्रिकेट का सबसे खौफनाक बल्लेबाज बना देता है। नंबर 3, रिकी पोंटिंग, ऑस्ट्रेलिया। पोंटिंग ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक बल्लेबाजों की फौज का एक सिपाही था। इन्हें क्रिकेट फील्ड का सबसे खूंखार बल्लेबाज भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पोंटिंग इस बात की परवाह नहीं किया करते थे कि इनके सामने कोई फास्ट बॉलर है या जादूगर स्पिनर। इनको तो बस रन्स के अंबार लगाने होते थे। इन्होंने अपने बल्लेबाजी से दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स को इबरत का निशान बनाया। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान भी रहे और 2 बार इन्होंने वर्ल्ड कप भी जितवाया। 2003 और 4 की एसेज में वो अपने करियर के पीक पर थे। इन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाज की नाक में दम कर रखा था और पूरी सीरीज में अपना सिक्का चलाया। पोंटिंग ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 17 साल क्रिकेट खेली और इस दौरान उन्होंने 27,000 रन बनाए। नंबर 2, कुमार संगकारा, श्रीलंका। जयवर्धने के साथ अपने संगकारा का नाम तो जरूर सुना होगा। आप समझ गए होंगे कि ये किस लेवल के बल्लेबाज थे, क्योंकि ऐसे थोड़ी ही दुनिया की दूसरी रन मशीन बन जाती है। इन्होंने जयवर्धने के साथ मिलकर दुनिया की बड़ी बड़ी बॉलिंग लाइन को तहस नहस किया है और कई गेंदबाज तो ऐसे थे जो इनके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते थे। संगकारा का बैटिंग स्टाइल बहुत सादा था। वो अपनी कलाइयों की मदद से टाइमिंग लगाते थे। इन्होंने क्रिकेट फील्ड के वो सारे स्किल हासिल कर रखी थी जो किसी भी बॉलर को बर्बाद करने के लिए काफी थे। इन्होंने 15 साल श्रीलंका के लिए क्रिकेट खेली और 28,000 से ज्यादा रन किए। नंबर 1, सचिन तेंदुलकर, इंडिया। पहले लोग कहते थे कि लारा के बाद कोई अच्छा बल्लेबाज नहीं आएगा और फिर आए सचिन तेंदुलकर। अपने धुआंधार बल्लेबाजी की वजह से नाम कमाने वाले सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की दुनिया में 100 बार सेंचुरी कर चुके हैं। इंडिया को हमेशा से ही बल्लेबाजों का देश माना जाता है और सचिन ने ये भी साबित किया है। इनको क्रिकेट फील्ड का सबसे खूंखार बल्लेबाज कहा जाता है। इनकी सबसे ज्यादा याद की जाने वाली इनिंग वो थी जो इन्होंने जख्मी हालत में भी पाकिस्तान के खिलाफ खेली। उस टाइम इनकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी। इंडिया के सारे ही बैट्समैन आउट हो चुके थे और सचिन के सिर पर वकार ने एक ऐसा बाउंसर मारा जिसकी वजह से इनका सर फट गया। लेकिन इन्होंने मैदान नहीं छोड़ा बल्कि मुकाबला करते रहे और अपनी टीम को एक बड़ी हार से बचा लिया। सचिन के कैरियर की शुरुआत में ही मान लिया गया था कि ये दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों में माने जाएंगे और क्रिकेट एक्सपर्ट की पेशगोई आखिर सच ही साबित हुई। इन्होंने इंडिया के लिए 24 साल क्रिकेट खेली और 34,000 रन करके एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया जिसको कोई नहीं गिरा सकता। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपने पसंदीदा रन मशीन के बारे में जरूर बताइएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।